No. राम राम दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं सुंदा माता, जो कि भीनमाल से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर है। काफ़ी फेमस प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ बहुत दूर दूर से पर्यटक आते हैं और एक पर्वत के ऊपर बना हुआ है। तो चलिए, मेरे साथ में है संतोष भांजा और भैया जीजा जी। दोस्तों, हम भीनमाल पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से लगभग 25 के आसपास किलोमीटर रहा है। चलें? ओके। तो यहाँ पे नाश्ता करने के लिए रुके हैं भीनमाल में, सिर्फ नाश्ता सेंटर जालौर वाले। तो जालौर में काफ़ी फेमस है और उन्होंने अपनी ब्रांच यहाँ पे भी खोल दी है। तो हम यहाँ पे करेंगे नाश्ता। तो नाश्ता रेडी है। कैसा है टेस्ट? अच्छा है। तो नाश्ता वास्ता हो गया है, अभी चलते हैं। अब यहाँ से सिर्फ 25 किलोमीटर ही रहा है। फाटक बंद है, अभी ट्रेन आने वाली है, तो हम भी यहाँ पे रुके हुए हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... दोस्तों, ये है पार्किंग एरिया। हाँ, तो सुंदा माता पहुंच चुके हैं हम और गाड़ी भी वहाँ पार्किंग में लगा दी है। और ये सामने पर्वत है, तो वहाँ से होके हमें जाना है वो वाला एरिया को दिख रहा हो तो। और अब यहाँ से चलते हैं सभी। दोस्तों, ये है श्री सुंदा माता विश्राम गृह एवं मार्केट। तो यहाँ पे विश्राम गृह भी है और मार्केट भी बना हुआ है पूरा। पहले यहाँ पुराना मार्केट था, अभी नया बना दिया है इन्होंने। तो दोस्तों, मेन गेट वहाँ है और मेन गेट से हमने वहाँ से एंट्री की। और यहाँ पे पार्किंग एरिया है ये, और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता। जय माता जी। दोस्तों, ये यहाँ पर विश्राम गृह और मार्केट भी लगा हुआ है।
और यहाँ पर लिखा हुआ है ठहरने की व्यवस्था के लिए 500 रुपये है और एसी रूम का है 1000 रुपये। अगर चाहो तो यहाँ पर रूम भी बने हुए हैं। तो सामने मेन गेट है, वहाँ से एंट्री है। तो ये है मेन गेट, यहाँ से होगी अंदर के लिए एंट्री। तो यहाँ पे चेकिंग हुई है और उसके बाद में फिर अंदर की तरफ एंट्री दी है। और जैसे ही मेन गेट से अंदर की तरफ एंट्री करते हैं तब यहाँ पर भोजनशाला है और इसका टाइम भी यहाँ पे लिखा हुआ है। पहली सीढ़ी को नमन करके चलते हैं ऊपर की तरफ। और कुछ थोड़ा सा ऊपर आने के बाद यहाँ पे रोप वे लगा हुआ है, तो जो रोप वे से जाना चाहते हैं वो रोप वे से जा सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, टिकट लिखा हुआ है रोप वे का, कितना टिकट है। लेकिन हम लोग रोप वे से नहीं, पैदल जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक आ गए हैं तो फिर रोप वे में क्यों जाना, क्योंकि पैदल में अलग ही मजा है। तो रोप वे है और रोप वे से कुछ लोग भी जा रहे हैं यहाँ से। तो दोस्तों इस रोप वे की एक इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट जानकारी। ये राजस्थान का पहला रोप वे है जो कि सुंदर माता लगा है। यहाँ पे खाएंगे ठंडी ठंडी आइसक्रीम। दिनेश पटेल ब्लॉग्स। तो दोस्तों कितना शानदार व्यू आ रहा नीचे का। काफ़ी ऊपर है, थोड़ा पसीना पसीना हो गया हूँ मैं। यहाँ पे नींबू पानी पी रहे हैं। तो दोस्तों रोप वे यहाँ तक आता है, ये ऊपर का पॉइंट है रोप वे का, अभी आगे थोड़ा सा और रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे राजपुरोहित समाज भवन सुंदरपुर, देखो यहाँ पे हर एक समाज की अलग अलग धर्मशालाएं बनी हुई है, रुकने के लिए, भोजन के लिए, हर एक समाज की बनी हुई है। जैसे कि ये सामने है क्षत्रिय घासी मोदी समाज की है धर्मशाला। तो और यहाँ पे थोड़ा मार्केट भी बना हुआ है। ये यहाँ पे पटेल चौधरी समाज की धर्मशाला है। तो दोस्तों यहाँ पे दिनेश पटेल व्लॉग्स का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हो रहा है। तो दोस्तों हम
मंदिर तक पहुंच गए हैं। ये है सामने ही मंदिर है, वहाँ से अंदर की तरफ एंट्री है और यहाँ से बाहर की तरफ है। यहाँ पे आप धूप वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पे सामने कुछ धर्मशाला है, सोनी समाज वगैरह, छोटा सा मार्केट है। यहाँ पे आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं वहाँ से। यहाँ पे नीचे भी दुकान काफ़ी है और यहाँ पे आप गीले नारियल यहाँ पे तोड़ सकते हो। और ये दीपक लगाने की है, दिए है। फिर यहाँ से मंदिर के अंदर एंटर होने का ये है प्रवेश। यहाँ से तो दोस्तों अंदर मोबाइल वर्जित है, फोटो कैमरा वीडियो अलाउ नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। बोलो हर हर महादेव, काफी पुरानी मूर्ति है। और दोस्तों यहाँ पे शासक शासिंग देव चौहान का थान भी है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट लगा हुआ है, कुछ भी खरीद सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों आप सुंदर माता आए हो और इस दूरे पे नहीं चढ़े हो, फिर क्या किया, फिर क्या किया आपने? सुंदर माता आए और यहाँ पे नहीं आए, फिर कहाँ आए? ये सबसे बेस्ट जगह है यहाँ की। लोग ऊपर भी जा रहे हैं, दिख रहे होंगे वहाँ से। यहाँ पे आप घुड़सवारी ऊंट सवारी भी कर सकते हो। दोस्तों मैं ऊंट की सवारी करवा रहा हूँ यहाँ पे, बहुत सस्ती सवारी करवा रहा हूँ। ऊपर लाके और अगर दोस्तों आप मंदिर के पास हो, ऊपर हो, तो यहाँ पर चामुंडा माताजी ट्रस्ट द्वारा संचालित भोजनशाला भी है। ये जस्ट मंदिर के जस्ट बाहर की तरफ है गेट इसका, तो यहाँ पे आप भोजन कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से आप निःशुल्क भोजन प्रसादी के लिए टोकन ले सकते हो और उसके बाद में
यहाँ है भोजनशाला। तो दोस्तों मंदिर के अंदर दर्शन वगैरह करके ऊपर से अब हम आ चुके हैं नीचे, और यहाँ पर एक बगीचा है, यहाँ पर आप फोटोग्राफी वगैरह भी कर सकते हो। हेलो भाई, गाड़ी भी आ चुकी है, बैठते हैं अभी अंदर।